बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी किस तरीके से हम लोग बॉबिन केस की मदद से बॉबिन में धागा बहुत आसानी से भर सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम लोगों ने एक नलकी ले लेनी है, जो भी हमारे सूट के साथ की हो। हमने बॉबिन के ऊपर 2-3 चक्कर इस तरीके से धागे को घुमा लेना है, जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ। बस 2-3 चक्कर ही आप लोगों ने घुमाना है, बाद में हम बॉबिन केस की मदद से इसके अंदर ज़्यादा धागा भरेंगे। ठीक है, ये मेरे पास नलकी है। नलकी को आप कहीं भी रख सकते हैं, जहाँ पे हम सिलाई करने के लिए रखते हैं आप वहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को ईजी लगे आप वहाँ नलकी को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉबिन केस की मदद से हम लोगों ने जो हमारा ये बॉबिन के अंदर होल होता है, उसमें हम बॉबिन केस को इस तरीके से फंसा कर, ये जो हमारा मशीन का व्हील होता है उसकी एक साइड पे हम लोगों ने रखना है। ठीक है, ध्यान रहे, एक साइड पे इस तरीके से इसको व्हील हल्का सा जोर देना है, बॉबिन केस के ऊपर आप लोगों ने जोर देना है। ठीक है, अगर आप ढीला रखेंगे तो ये बॉबिन जो है हमारी नीचे गिर सकती है और धागा सारा उलझ जाना है। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो बॉबिन केस है उसके ऊपर आप लोगों ने हल्का सा जोर देना है। जोर देने के बाद जितना भी धागा आपको चाहिए आप लोग बॉबिन के अंदर भर लें। बहुत आसानी से इस तरीके से आप लोग धागे को भर सकते हैं। अक्सर मशीनों की जो बॉबिन में धागा भरने वाली जो हल्की छोटी सी मशीन लगाई होती है वो ख़राब हो जाती है, तो हमें मुश्किल पेश आती है। बहुत से लोग हाथ से ये काम करते हैं, तो मैंने बहुत आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग आगे भी शेयर करें और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।